आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सिविल डे पर विज्ञान भवन जाएंगे पीएम मोदी, आईएएस अधिकारियों को करेंगे संबोधित, अच्छा काम करने वाले अफसरों को देंगे अवार्ड। अमित शाह आज से कर्नाटक दौरे पर, देवनहल्ली में करेंगे रोड शो, चुनाव की घोषणा के बाद पहला दौरा। अतीक हत्याकांड के बाद जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट, छतों पर पत्थर हथियार रखने वालों की ड्रोन से निगरानी। अफसर शाइस्ता पर अब 50,000 का इनाम, यूपी पुलिस की टॉप 3 महिला अपराधियों में अतीक मुख्तार की पत्नियां। ट्विटर ने वेरिफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटाया, सीएम योगी, कोहली, सलमान के अकाउंट भी शामिल, टैग के लिए अब मंथली चार्ज। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ट्विटर प्लेटफॉर्म में एक बार फिर बड़ा बदलाव सामने आया। बता दें कि दिग्गज राजनेताओं और अभिनेताओं के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। जी हां, नई पॉलिसी को इस्तेमाल नहीं करने के चलते ये ब्लू टिक हटाए गए हैं, जिनमें सीएम योगी आदित्यनाथ, बंगाल के सीएम ममता और कांग्रेस नेता राहुल के साथ ही अभिनेता शाहरुख खान के अकाउंट से भी ब्लू टिक रिमूव किया गया है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं उन नेताओं के ट्विटर अकाउंट जिनके अकाउंट से ब्लू टिक हटाया गया है, जिनमें नेताओं के साथ अभिनेताओं का नाम भी शामिल है, जिनमें सीएम योगी आदित्यनाथ के अकाउंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिससे ब्लू टिक हटाया गया है। तो वहीं शाहरुख खान के ट्विटर अकाउंट से भी ब्लू टिक हटाया गया है। तो सभी वेरिफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटाया गया है, यानी कि अगर आपको ब्लू टिक चाहिए तो आपको उसके लिए ट्विटर को मंथली चार्ज पे करना होगा। तो ट्विटर ने वेरिफाइड अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम जुड़े हैं। मोहम्मद कलीम, ट्विटर ने वेरिफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटाए हैं, तो इनमें किन किन के अकाउंट शामिल बताए गए हैं? देखिए, जो ट्विटर अकाउंट है रात के 12 बजे से जो ब्लू टिक हटा दिए गए हैं, इसको लेकर के फिर चाहे फिल्म स्टार की बात की जाए, अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, या फिर अक्षय कुमार हो, या फिर जो राजनीति की बात की जाए उसमें राहुल गांधी हो, या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, या फिर डिप्टी सीएम हो, सभी के अकाउंट से जो ब्लू टिक थे वो हटा दिए गए हैं। क्योंकि 20 तारीख की रात 12 बजे से जो वेरीफाइड अकाउंट थे, जो ब्लू टिक लगे हुए थे, उनको हटाया गया है, उनके अकाउंट से ये ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। क्योंकि उनमें जो भुगतान नहीं किया गया था उनको लेकर के सभी टिकों की बात की जा रही थी कि जो अकाउंट है, जो अकाउंट है वो हटा दिए गए, वो ठीक है। मोहम्मद कलीम, जिस तरीके से हमने अभी तस्वीरों में भी देखा कि योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, सलमान खान के जो अकाउंट है उनसे ब्लू टिक हटा दिया गया है, तो कितना चार्ज इन सभी को मंथली पे करना पड़ेगा वापस से ब्लू टिक पाने के लिए? देखिए, जिस तरीके से जो ये सामने आ रही थी मंथली जो पेमेंट करने की, वो तो जिस तरीके से खर्चा करना है, क्योंकि जो वेरीफाई अकाउंट लेना था तो उसमें ट्विटर की तरफ से कहा जा रहा था कि इसमें उनका पेमेंट पड़ेगा, उसके बाद ही जो है इसमें ब्लू टिक उनको मिल पाएगा। क्योंकि अब जो है वेरीफाई करने के लिए जो चार्जेस है वो ट्विटर को देना पड़ेगा। पहले तो बिना चार्जेस के वेरीफाई होता था कि आप कि ये पोस्ट है, आप इस संस्थान से जुड़े हुए हैं या फिर आप इस ये चीज है, तो उसको लेकर के पूरी चीज जो है वेरीफाई हो जाता था और ब्लू टिक आपको मिल जाता था, जिससे आप जो है सर्चिंग में भी आसानी होती थी, लेकिन अब उसका चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है कलीम, जिस तरीके से आज ये वेरिफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है, तो क्या लगता है कि जो ट्विटर के यूजर्स हैं उनकी संख्या कुछ कम हो जाएगी, या फिर ये जो सभी अभिनेता हैं या फिर नेता हैं ये जो अपना मंथली चार्ज है ये पे कर देंगे? देखिए, जिस तरीके से जो ब्लू टिक की बात की है, ब्लू टिक का जो एक मतलब होता है कि उसे वेरीफाई होता है, कि वेरीफाई होने का मतलब ये रहा कि हाँ ये जो अकाउंट है ये इन्हीं का है। जैसे कि अगर बात की किसी भी, चाहे हम यूपी सरकार की ले लें, कि यूपी सरकार का जो ट्विटर अकाउंट है, जब आदमी सर्च करता है तो उसको लगता है कि हाँ ये ब्लू टिक है। ठीक है, धन्यवाद मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
यूपी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर अपना दमखम दिखा रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी के मजबूत दावेदार आगरा से महापौर प्रत्याशी जूही प्रकाश से प्राइम टीवी ने खास बातचीत की है, जिसमें जूही प्रकाश ने बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि संपूर्ण आगरा का विकास होना फर्स्ट टारगेट रहेगा। वही मलिन बस्तियों में जो कभी विकास नहीं हुआ, तमाम तरीके के मलिन बस्तियों में समस्याएं बनी हुई हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के महापौर और ज्यादा से ज्यादा पार्षद नगर निगम सदन में जीत कर पहुंचेंगे और आगरा में विकास की लहर चलेगी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की महापौर प्रत्याशी जूही प्रकाश। आइए इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं इनकी। मेरी जो पहली प्राथमिकता होगी संपूर्ण आगरा का विकास, और सबसे पहले तो मैं जो मेरा टारगेट रहेगा वो मलिन बस्तियों में रहेगा और मंटोला नाला काजीपाड़ा ऐसी जगहों पे, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ पे कभी भी ना खरंजे बने हैं ना नालियों का निकास हुआ है और वहाँ जल भराव इतना रहता है कि बीमारियाँ बहुत लगती हैं। तो ऐसी जो मलिन बस्तियाँ हैं यहाँ की शिकायतें कभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती हैं, और जब से जो सबसे मेन मुद्दे यही होते हैं, तो मेरा तो जो पहला वो रहेगा टारगेट वो यही रहेगा गली मोहल्ले। आप लगातार जनता के बीच में भी जा रही हैं जब से प्रत्याशी बनी हैं, तो जनता के किस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो यही मुद्दे आ रहे हैं कि सीवर का सीवर लाइन नहीं है, और जो प्रोसीजर होता है सरकार की तरफ से फिर उसके बाद वो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। मतलब अगर रोड खड़ा पड़ा हुआ है तो उस पर दोबारा वो रोड बनता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा जब बारिश होती है उस टाइम पर जो छोटी छोटी गलियां हैं, जैसे कि मैं भी खुद रुई की मंडी में रहती हूं और आप मेरी गली का हाल देखेंगे आकर, तो वो इतना बुरा है कि अगर आप बारिश में आ गए तो आपको 2 घंटे तक वेट करना पड़ेगा, आपको घूम कर आना पड़ेगा। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो आगरा के जनप्रतिनिधि हैं उनका साफ तौर से कहना रहता है कि आगरा को संपूर्ण विकास कराया गया है, तो क्या कहेंगी इस पर? संपूर्ण विकास कहाँ पर कराया गया है? अखबारों में अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से तो करवाया गया है, क्योंकि वो अखबारों की हेडिंग में जो आता है ग्रीन आगरा नवीन आगरा, वो सिर्फ अखबारों तक है। अगर जनमानस तक जाया जाए देखा जाए तो कोई विकास नहीं है, कहीं कोई विकास नहीं है। आगरा में लगातार 6 बार से बीजेपी का प्रत्याशी ही सदन में पहुंचा है, सदन उनके कब्जे में रहा है, इस बार क्या लगता है समाजवादी पार्टी काबिज हो पाएगी? बिल्कुल, इस बार समाजवादी पार्टी सदन तक जाएगी। मेरा आखिरी सवाल ये है, अभी कुछ दिन पूर्व अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड हुआ था, उसके बाद से मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी है, कुछ पक्ष में भी है, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी के क्या राय है? क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी पर इसका हत्याकांड का असर पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा इससे। लगता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट आएगा? हमेशा मुस्लिम समाज जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही रहा है, क्योंकि इनको सम्मान समाजवादी पार्टी ने हमेशा दिया है। देखा आपने, ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महापौर प्रत्याशी जूही प्रकाश। इनका साफ तौर से कहना है कि जनता के बीच में जाकर जो जन समस्याएं सामने आ रही हैं, मैं जीतने के बाद सदन में सभी समस्याओं का समाधान कराएंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सदन पहुँचते हैं या भारतीय जनता पार्टी के या अन्य पार्टियों के प्रत्याशी सदन पर काबिज होते हैं। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। खबर हरदोई से है, जहां एसपी ने पुलिस बल के साथ अलविदा और ईद उल फित्र को लेकर पैदल गश्त किया है। संवेदनशील स्थानों पर पैदल गश्त कर लोगों में सुरक्षा की भावना जगाई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों में डर पैदा हो और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए, इसको लेकर पैदल गश्त के साथ हर स्तर पर तैयारियां पूरी की गई है। एसपी राजेश द्विवेदी ने आगामी त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया है। कल जुमे के दिन अलविदा की नमाज़ पढ़ी जानी है, साथ ही साथ परसों या संभवतः परसों ईद का पर्व मनाया जाएगा। चूँकि यह संवेदनशील पर्व है, इसके लिए जो आम जनमानस है हमारा उसमें सुरक्षा की भावना व्याप्त, जो असामाजिक तत्व है उनके अंदर भय व्याप्त हो, इसके लिए पुलिस बल द्वारा पूरे जनपद में जो भी संवेदनशील स्थल हैं निश्चित इलाके हैं वहाँ पर फ्लैग मार्च किया जाए।
खबर गाजियाबाद से है, जहां बसपा में टिकट को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ता तेल छिड़क कर बसपा के प्रभारियों के घर पहुंचे। बताते कि प्रभारी और जिला अध्यक्ष पर पैसे लेकर टिकट नहीं देने का भी इस दौरान आरोप लगाया गया है, जिसका वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। तो गाजियाबाद में टिकट बंटवारे को लेकर बसपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर वो जिलाध्यक्ष के साथ ही तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके घर पर पहुंचे और जिला प्रभारी और जिलाध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने हमें प्रत्याशी बनाने के लिए पैसे तो ले लिए, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट हमें ना देकर किसी और को दे दिया गया। शाहजहांपुर में व्यापारी समाज के पितामह और व्यापारियों के मसीहा पंडित शर्मा बिहारी मिश्रा की पुण्यतिथि मनाई गई है। इस दौरान यूपी उद्योग व्यापार मंडल द्वारा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह दुआ ने कहा कि व्यापारी समाज को जो सम्मान जो गरिमा आज तक इस देश में प्राप्त हुई है वो पंडित श्याम बिहारी मिश्रा की ही देन है। पंडित जी नैतिकता और चारित्रिक गुणों के पुरोधा थे। उन्होंने जिस साहस एवं निष्ठा के साथ व्यापारियों की समस्याओं के निदान के लिए हर संभव और हर समय मन से प्रयास किया वो बेमिसाल है। हम लोग माननीय पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी, जिन्होंने व्यापारी समाज के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, व्यापारियों के मसीहा रहे, आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। 20 अप्रैल 2021 को वो हम सबको छोड़कर ईश्वर के चरणों में जा विराजे थे, तो हम लोग आज उनकी यादगार बनाकर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम जिस यूपी विधान परिषद में चुने गए 6 मनोनीत सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। विधानसभा के टंडन हॉल में समारोह का आयोजन हुआ, जहां विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने 6 मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई है। विधान परिषद में मनोनीत कोटे की 6 सीटें लंबे समय से खाली चल रही थी और विधान परिषद में मनोनीत कोटे के 3 पद 29 अप्रैल 2022 और 3 पद 27 मई 2022 से खाली थे। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इन 6 नए सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव को मंजूर किया था। उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसको लेकर विधानसभा के टंडन हॉल में बीजेपी कोटे से इन 6 सीटों पर 6 नेताओं को एमएलसी बनाया गया है। निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार मनोनीत की सूची की तैयार की गई है कि मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए इस बार मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे प्रतिनिधि को दी गई है। वहीं इस बार चुनाव के दृष्टिगत दलितों पर भी बीजेपी का दाव लालजी निर्मल को भी मनोनीत किया गया है। गाजियाबाद में महिला अस्पताल की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आए दिन यहां लिफ्ट की समस्याएं बनी रहती है, क्योंकि 4 मंजिल का यह अस्पताल गर्भवती महिलाओं के लिए समस्या बन गया है। तो कभी अल्ट्रासाउंड की तो कभी डॉक्टर्स की, और जब सब कुछ सही रहता है तो यहां डॉक्टरों की कमी के कारण गर्भवती महिलाओं को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसे में सवाल है कि अस्पताल प्रशासन में भरपूर डॉक्टर ही नहीं होंगे तो मरीजों को सुख सुविधाएं कहाँ से मिल पाएंगी। मैम बीता मार्च की कुछ बात करें तो मार्च में कितने मरीजों की डिलीवरी हुई है जिला महिला अस्पताल में? टोटल जो डिलीवरी हुई है ना सिजेरियन सेक्शन और वो मिला के हमारी हुई है 579 डिलीवरी है, जिसमें जी नॉर्मल डिलीवरी जो हुई है वो हुई है 436 और सिजेरियन हुए हैं 143। प्रतिदिन मरीज की बात करें तो प्रतिदिन मरीजों कितने मरीज यहाँ प्रतिदिन आते हैं? प्रतिदिन तो 400-500 मरीज तो इंडोर में देख लिए जाते हैं और ओपीडी में तो काफी रहते हैं 700। नंबर 3 में तो प्रतिदिन का आकलन किया जाए, प्रतिदिन कितने मरीज देखे जा रहे हैं यहाँ पर? प्रतिदिन हम 150 के करीब देख लेते हैं। 150 के करीब। महिलाओं मतलब जो आपके पास मरीज आ रहे हैं उसमें किस रोग से या किस विषय से संबंधित मरीज आपके पास सबसे ज्यादा आ रहे हैं? देखो यहाँ तो हर तरह का पेशेंट आता है, हम तो गायनी का गर्भवती महिलाओं को देखते हैं, लेकिन गर्भवती में भी कोई हाई रिस्क में भी आती है, कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, तो उसके लिए फिर हमें
जो हायर सेंटर है वहाँ के लिए भी हमें रेफर करना पड़ता है। दवाओं की बात करें अगर जो, तो मरीजों का कहना है कि कुछ दवाएं बाहर से भी लिखी आती हैं, ये क्या पूरा विषय है? सर यहाँ दवाइयाँ पूरी हैं। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में दो पक्षों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद हो गया और दोनों पक्षों में विवाद को लेकर जमकर मारपीट भी हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे तक बरसा दिया और मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पिटाई से एक पक्ष के चार लोग घायल हो गए तो वही दूसरे पक्ष से भी चार लोग तकरीबन घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बता दें कि दोनों पक्षों ने कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दे दी और पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो पीलीभीत में संपत्ति के वाद में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले जिसमें दोनों ही पक्षों के तकरीबन आठ लोग घायल बताए जा रहे हैं और आप ये मारपीट का वीडियो भी देख सकते हैं किस तरीके से जो दोनों पक्ष वो एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हुए नजर आए हैं जिसमें महिलाएं भी शामिल है। इस दौरान महिलाओं पर भी हमला किया गया है। रायबरेली थाना क्षेत्र के गांव शिवपुरी में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। आग लगने से 10 किसानों की लगभग 20 बीघे से अधिक गेहूं की फसल जलकर पूरी तरीके से राख हो गई और लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया है। ग्रामीणों द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला, जिसके बाद राजस्व विभाग से हल्का लेखपाल संदीप त्रिपाठी ने घटना स्थल पर पहुंचकर किसानों के नुकसान का जायजा लिया है और शिवपुरी के किसानों ने बताया कि उक्त खेतों के ऊपर से होकर हाईटेंशन लाइन गुजरती है। अज्ञात कारणों से अचानक खेत में आग लग गई और देखते ही देखते उनकी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।